हाय हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा तीसरा दिन कश्मीर में और आज हम लोग जा रहे हैं गुलमार्ग। हम लोग 10:15 निकले हैं अभी और 1.5 घंटे का रास्ता, चलो देखते हैं। भाई हम लोग पहुंच गए हैं टनमार्ग, दिस इज द लास्ट विलेज वाइल गोइंग टू गुलमर्ग। तो ये भाई हमें गाइड कर रहे हैं। सो बताए सर। जी सर, ये जो गुलमर्ग का गेटवे है टनमार्ग, ये लॉस्ट विलेज है गुलमर्ग के लिए। और रास्ते में कोई शॉप वगैरह नहीं पड़ता है, ये लॉस्ट विलेज है और रास्ते में कोई शॉप वगैरह नहीं पड़ेगा। और नेटवर्क भी नहीं आता है फ़ोन में रास्ते में। जब हम गुलमर्ग पहुंचेंगे वही आपको शॉप्स मिलेंगे, होटल मिलेंगे, कॉटेज मिलेंगे। तो जो भी साइड सीन है वो राउंड ऑफ फिगर में पड़ता है गुलमर्ग में। ये जो गाड़ी है ये गुलमर्ग पार्किंग तक जाती है, उससे आगे जो साइड सीन रहता है उसके लिए वहाँ से ऑप्शन रहता है, ATV बाइक रहता है, स्लेचिंग रहता है, जैसे आप घूमना चाहोगे वैसे आप घूम सकते हो। चले ठीक है, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ के बारे में एक एक पॉइंट पे अपन बात करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। बस ये तनमग से गुलमर्ग ऊपर तक जाने के रास्ता अराउंड कितने मिनट में जाएंगे सर? हम लोग किलोमीटर है, ये 13 किलोमीटर है और आधा घंटा लगेगा बिकॉज ऑफ द घाट रोड। तो चलो देखते हैं घाट कैसा है। तो भाई रास्ता देखो, दिस इज द घाट रोड, जिगजैग रहेगा आपको 13 किलोमीटर। ये देखें, ये पुलिस है या पता नहीं क्या है, नहीं नहीं ये गोप्रो लगाया है, मतलब ये भी घूम रहा है। ये लोग का काम ये है। लेट्स एंजॉय यार, द रूट जबरदस्त है, देखते रहो पूरा वीडियो। Guys, we are at the peak, Sunshine Peak, और हमको और ऊपर जाना है। मे बी हम लोग 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर आए हैं। सर यहाँ से दोस्तों आपको स्लेज में आपको जाना पड़ता है अराउंड 2 किलोमीटर्स और वहाँ पे ATVs भी होते हैं, व्हीकल्स जो 4-व्हीलर, तो उससे भी जा सकते हैं आप लोग। और आगे देखेंगे कैसा है मंजर, सो विल अपडेट यू थोड़ी देर में। हाय हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए गुलमर्ग 2650 मीटर्स अबाउट सी लेवल पे। आपको लगेगा कि हम लोग किस जगह है, इट्स नथिंग लाइक अ पैराडाइज। हम जा रहे हैं ये स्लेज से, ये स्लेज से हम लोग 2 पॉइंट्स जाएंगे, वहां से हम गंडोला पॉइंट पे जाएंगे, गंडोला करेंगे फिर वापस आएंगे। चलिए लेट्स गो।
दोस्तों हम जा रहे हैं अभी देखने के लिए, वो देखे ये चर्च है 20 साल पुरानी, और यहाँ पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की मूवी, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की, यहाँ पे ही फिल्म शूट हुई है। गाइस ये जो झाड़ जितना सूखा लग रहा है, ये झाड़ जून में एकदम हरा लगेगा। और ये देखें जो चर्च बोल रहा था, ये चर्च का नाम है ST मैरिज चर्च, और ये साल में एक ही बार खुलेगा, एंड दैट टू ऑन December 25th क्रिसमस के दिन। और ये हाल हाल में शायद आप लोग देखी होगी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो रणवीर और आलिया भट्ट की जो फिल्म थी वो यहाँ पे शूट किया गया था, ये वाला। वाव, ये तो यार क्रिसमस की चीज़ें थे दिख रहा है। भाई वहाँ पे स्कीइंग हो रहा है, प्रोफेशनल स्कीइंग वहाँ पे होता है, और यहाँ पे पूरे लर्नर्स है, देख सकते हैं आप लोग। भाई ये स्कीइंग रिजॉर्ट है, लोग यहाँ पे प्रोफेशनल स्कीइंग करते हैं ये वाले, और ये नीचे जो है लर्नर्स के लिए है, और यहाँ पे सिखाते भी है वैसे। देखो बच्चे मज़ा कर रहे हैं यार, ये देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा आगे तक जाऊंगा बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्लिप होने का बहुत चांसेस है भाई। ये देखो ये गिरने वाला भी है वैसे, ये देखिए ये कम ऑन, ए वाओ। आपको यहाँ जाना है, धीरे धीरे एकदम। हेलीकॉप्टर राइड भी है बॉस, हेलीकॉप्टर राइड भी होगा है, इसका प्राइस होता है अराउंड 7,500 पर पर्सन। ये देखिए नीचे तक आएगा वो वैसे भी, यहाँ पे प्रोफेशनल स्कीइंग करना है, सीखना अगर है तो 21 डेज का कोर्स भी होता है, और 21 डेज का कोर्स, और यहाँ पे नेशनल फोरम पे आएंगे ये लोग। सो गुड थिंग टू हियर, सिर्फ विंटर्स में ही होता है ये। हेलीकॉप्टर निकला है, यू कैन सी दैट। इंशाल्लाह ट्राई करूँगा मैं इस राइड लेने का, लेकिन टाइम इज अ कंस्ट्रेंट। मेरा गोंडोला का टाइम है 1:30, अभी 1 हो गया है वैसे, 1 o'clock हो रहा है, और बीइंग फ्राइडे टुडे इज जुमा भी है,
गंडोला आ गए भाई हम लोग, गुलमर्ग गंडोला लाइन में है खड़े हुए। जो आ रही क्यों पता नहीं, कितने कैबिन कार्स है पता नहीं, लेट्स सी गाइस। गुलमर्ग आके आपको 8,650 फीट हायर द सी लेवल से, ऑलरेडी हम लोग गुलमर्ग में आ गए वैसे 8,650 फीट, और यहाँ से 10,000 फीट मतलब फेज़ वन, आपको 10,000 फीट में फेज़ वन आएगा, और हम वो केबल कार में जाएंगे सिर्फ 9 मिनट्स में। चलो यार, टू एक्साइटिंग, लेट्स सी हाउ इट इज। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी केबल कार चढ़ने के लिए, देखिए आप कितनी भीड़ है, यू हैव टू फॉलो ए क्यू। और रही बात इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये देखें पहले, लुक एट द केबल कार, ये वन बाई वन आता है। एक केबल कार में 6 लोग बैठना है उसमें, सिर्फ 6, नॉट मोर देन 6, और एवरीवन कैन एन्जॉय। भाई मशीनरी देखो यार, गाइस वी हैव ऑलरेडी सैट इन दिस। फेज वन इसको बोलते हैं, इसका एक नाम है कंदोरी। सो यहाँ से फेज टू और आपको अराउंड 4,000 स्क्वायर फीट ऊपर जाएगा, मतलब 14,000 स्क्वायर फीट अबव द सी लेवल, उसको बोलते हैं अफर वाट। मुझे वहाँ के टिकट्स नहीं मिले अनफॉर्चुनेटली, सो लेट्स एक्सप्लोर हियर फेज वन कंदोरी जिसका नाम है। चले भाई, मैंने बहुत ट्राई किया है इसके लिए, लेकिन मुझे अफर वाट फेज टू वो नहीं मिला मेरे को, फेज वन से ही काम चला लेंगे। ओहो भाई, यहाँ से केबल कार लगेगी आपको फेज टू के लिए। ये देखो यहाँ से केबल कार जाएगी सीधा सीधा और ऊंचा, और उसका हाइट है 14,500 फीट अबव द सी लेवल। ये देखो एक जा रही है अभी, आप देख सकते हैं वहाँ पे, लेकिन कहीं भी जाओ आप, एक घंटे का टाइम रहता है, आपको वापस आना है। और जो स्केट कर रहे हैं, यू कैन सी वहाँ पे जा रहे हैं लोग दूसरी कार में, ये देखो खुली हुई,
तो वो लोग ऊपर तक लेके जाते हैं उनको और वहाँ से स्केट करते हुए नीचे आते हैं। ये देखिए, ये बिगनर्स के लिए है भाई, और मज़ा है यार। गाइस, दिस इज द स्लेज, वुडन स्लेज होता है ये, है रियाज भाई है। ऐसे कई स्लेजेस है, यहाँ से आते हैं स्लेज पे या एटीवी पे आते हैं, फोर व्हीलर जो मोटर बाइक है। भैया देखो ये कैसे जा रहा अंदर, ये ऑलमोस्ट हाफ मीटर के ऊपर गया है पैर। भाई देख सकते हैं वहाँ पे एक मंदिर है, वो शिव मंदिर बोलते हैं, शिवजी की, शिवजी टेंपल है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पे मैं गया नहीं, इसलिए कि कुछ अराउंड 52 स्टेप्स चढ़ना है, सो आई डिडंट वांट टू गो देयर। ऑलरेडी कमर में दर्द होने लगा मुझे, यहाँ पर भी दो जगह स्लिप होके नीचे गिरे। चलो कोई बात नहीं। ये देखिए, ये जो बांध बनी है ना, ये 8 फीट की है, ये 8 फीट के ऊपर बर्फ बना है ये देखो। लेकिन यार चलो ठीक है, गाइस हम लोग गुलमर्ग का टूर क्लोज कर रहे हैं यहाँ से। हम यहाँ से अभी जाएंगे नेक्स्ट द्रांग, वहाँ पे वाटरफॉल है बहुत बड़ा, लेकिन चेक करते हैं कि वहाँ पे अपने को टाइम मिलता है या नहीं है, और वहाँ पे अलाउड है या नहीं है, क्योंकि बर्फ ज़्यादा है, सो आई हैव टू चेक ऑन इट। पूरी टूर हो गई है, फेज़ 1 तक गए हैं हम लोग, और अराउंड 10,000 फीट अबव द सी लेवल। इट्स अ फैबुलस व्यू, सीनिक। जब भी जाते हो, बड़े अगर लोग हैं तो एक असिस्टेंट को लेके जाना, जैसे कि हमारे अहमद भाई। यहाँ देखो, आ जाओ सामने आ जाओ, ये ऐसे असिस्टेंट बहुत मिलेंगे आपको, सो उनसे अच्छे से बात करो। नीचे से लेके आ सकते हैं आप, वैसे आपकी मर्जी, तांगमार से मिल जाती है। तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ से जब जाते हैं स्लेज कर सकते हैं, एटीवी कर सकते हैं, या जैसा अगर आपको चलना है चल सकते हैं, लेकिन चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है विंटर में, क्योंकि इतना स्किप है, इतना स्कीडिंग हो सकता है, गिर भी सकते हैं। सो बेटर स्लेज का भी मज़ा लेना चाहिए, सो इट्स बेटर। तो या छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को भी आराम से देखते हुए लेके जाना है। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो डेंजरस इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट। सो मैं ये बताता हूँ कि गुलमर्ग तो एक बार जाना ही है लाइफ में, सही है। सो चले, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी एंड देन मूव। चले सर।